प्यार दिया यहाँ पे कि मेरी आँख भर आई है, आई डोंट नो व्हाट टू से, उनको लगता मैं सीता जी हूँ। ओह माय गॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। कुछ सालों पहले दूरदर्शन चैनल पर एक सीरीज आया करती थी रामायण, जिसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते थे। उस दौर में टेलीविजन बहुत ही कम घरों में हुआ करता था, तब लोग किसी एक घर में, जिनके घर में टेलीविजन हुआ करता था, वहाँ बैठ करके रामायण देखा करते थे। और उसमें जो किरदार निभा रहे थे राम और सीता का, उन्हें लोग आज भी भगवान मानते हैं। जी हाँ, कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था इस सीरीज में, उनको एयरपोर्ट पर पाते ही एक महिला ने उनके पैर छू लिए थे। साक्षात राम का अवतार उन्हें मान रही थी। और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है दीपिका चिकलिया की। जी हाँ, वही दीपिका चिकलिया जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था। दरअसल वो मिथिला पहुंची और मिथिला में उनका जोरदार स्वागत किया गया और बड़ा ही प्यार लोगों ने दिया। इतना प्यार उन्हें दिया गया कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें मिथिला की बेटी कहा गया, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि मिथिला को माता सीता का मायका कहा जाता है। ऐसे में जब दीपिका चिकलिया वहां पर पहुंची तो उनका स्वागत बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया। जैसे बेटी अपने मायके में वापस आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, ठीक उसी तरह उनका स्वागत किया गया और उनकी आंखें भर आई। वो एक वीडियो में बता रही हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और उन्हें उपहार भी दिया गया। अब देखिए वो वीडियो। इतना प्यार दिया यहाँ पे कि मेरी आंख भर आई है, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऐसे बेटी सूखा गला करके नहीं जाती है और खाली गोद नहीं जाती है, तो उनको लगता है मैं सीता जी हूँ। ओह माय गॉड। तो आपने देखा कि किस तरीके से इमोशनल हो रही हैं दीपिका चिकलिया। आज भी लोग उस सीरीज को याद करते हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना का समय आया था, उस वक्त एक बार फिर से दूरदर्शन पर रामायण जो है वो प्रसारित किया गया था। ऐसे में तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, सभी बैठकर एक बार फिर से रामायण देख रहे थे और उसी दौर को याद करते हुए नजर आ रहे थे। तो दीपिका चिकलिया और अरुण गोयल, जिन्होंने माता सीता और राम का किरदार निभाया था, उनमें लोग आज भी भगवान देखते हैं। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।